हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी को सोलन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। सोलन की सब्जी मंडी में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने किसानों और आढ़तियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को हल करने का भरोसा भी दिलवाया। उन्होंने इस मौके पर सब्जी मंडी का निरीक्षण किया तो वहां मंडी की दुर्दशा देखकर बेहद आहत दिखे और उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली और सोलन की मंडी को सुधारने का आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। एपीएमसी के अध्यक्ष बलदेव भंडारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2012 में सोलन की सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है, तब से लेकर अब तक मंडी के रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आढ़तियों और यहां आने वाले किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द यहां मरम्मत करवाई जाए, साथ ही किसानों और उपभोक्ताओं की बढ़ती खाई को भी दूर करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों का किसी भी स्तर पर शोषण ना हो, इसके प्रयास किए जाएंगे और जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें दी है वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।